पिंकी बेटा, पिंकी बेटा, एक कप चाय पिला दे। अरे पिला दे बेटा, मेरे पैर में मोच आ रही है, वरना मैं ही बना लेती। हाँ, बना दे बेटा, बना दे। अरे आप कहो मम्मी, मैं तो ब्रेड पकौड़े तल रहा हूँ आपके लिए। ना ना ना, बता दो आप, आपके लिए कुछ चाय के साथ ब्रेड पकौड़े भी ले आती हूँ। सुनी है तो तू ताने मारेगी, वो होती ना रज्जो, तो अब तक मुझे चाय भी दवाई भी सब दे देती। एक बात है, उस बंदी को मैं कितने ही ताने मार लूँ, एक तो मुझे खुशी बड़ी मिलती है जब मैं उसे ताने मारती हूँ, लेकिन बंदी ताने मारने के बाद भी मेरे को टाइम से चाय, खाना, दवाई देना नहीं भूलती। हाँ, पर मुझे बड़ी खुशी मिलती है उसको ताने मार के बेटा। क्यों ना बनाने, क्या आफत मचा रखी है आपने तो। नहीं नहीं तो बुला लो ना बहू को अपनी को, वही बना देगी आपको चाय पकौड़े। मेरे को क्यों बोल रही हो फिर, चाय पकौड़े बना दे, चाय पकौड़े। अरे ठीक है, हाँ, मैं पता आपकी बहू ज़्यादा ध्यान रखती है, हम कम रखते हैं। हाँ, इन लड़कियों के सामने ना बहुओं की थोड़ी सी तारीफ कर दो तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अरे वो भी तो मेरे ताने सुनती है, अगर मैंने थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दी तो क्या हो गया, क्यों परेशान हो गई। अजीब, तुझे चाय पिलानी है तो पिला दे, मुझे भाषण मत सुना। हाँ पिला रही है तो ले आ जल्दी। बहू की तारीफ करती रहती हैं, लो अपनी चाय ले लो, और बुला लेना अपनी रज्जो बहू को, ठीक है। कल से मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकते। बहू से सेवा कराओ, शादी किस लिए करी है अपने बेटे की, अपनी बहू से सेवा कराओ ना, मेरे से सेवा कराने की जरूरत नहीं है। मेरा एग्जाम है, मुझे एग्जाम में ध्यान देने दो बस। एक कप चाय के लिए मेरा 1 लीटर खून पी गई, ठीक है भैया, मत पी लेंगे वो चाय, वो तो मेरे पैर में मोच आ रही है, नहीं तो मैं खुद बना लेती। जा अब मैं चाय पी लूँ। हाँ जा, मैं अपनी बहू को बुला लूँगी, रज्जो को, उसे ही ताने दे लूँगी, मेरे को खुशी भी मिल जाएगी और उससे अपनी सेवा करा लूँगी। जा तू पढ़ाई कर ले, जा जा बन जा तू कलेक्टर, जा।